अरे यार सो के तो मजा ही आ गया। आज यार बहुत ही मजा करने वाले हैं हम, मतलब कि गाइजर आप लोग का स्वागत है एक और न्यू जीडे 5 की वीडियो में। एंड गाइजर आज एक काम करता हूँ, सबसे पहले यार छत में जाके देख लेता हूँ कुछ लॉस सेंटोस में गड़बड़ तो नहीं है ना, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कभी लॉस सेंटोस में सुनामी आ जाती है तो कभी लॉस सेंटोस में भाई लावा की सुनामी आ जाती है। भाई लॉस सेंटोस में कुछ भी हो सकता है, कभी भाई कोई शैतान उठ करके लॉस सेंटोस को तोड़ने लगता है या फिर कोई अवेंजर्स के टीम में पागल हो जाता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है गाइस यार, हमें नहीं पता। इसलिए एक काम करते, सबसे पहले जल्दी से ऊपर जाके देख लेते लॉस सेंटोस ठीक है कि नहीं है। भाओ कहाँ जा रहे हो मालिक? अरे नहीं मैं ऊपर जा रहा हूँ छत में देखने के लिए लॉस सेंटोस ठीक है कि नहीं है। भाओ ऐसा लगता है लॉस सेंटोस आपके पापा का है। अरे यार चुप ऐसा क्यों बोलता है? लेकिन गाइजर हाँ मैं लॉस सेंटोस को दिल से पसंद करता हूँ, ऐसा लगता है कि वो मेरे पापा का ही लॉस सेंटोस है। बट लेकिन नहीं, लॉस सेंटोस में हम लोग रहते हैं तो इसका ख्याल भी हमें रखना चाहिए। चलो छत के ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ सब चीज सही है ना। अरे गाइजर आज का मौसम भी बहुत ही सुहाना है और लॉस सेंटोस कितना शांत और कितना ही सुंदर लग रहा है। देख रहे हो गाइजर कहीं से कुछ हलचल भी नहीं आ रही है, एकदम सही है। एक सेकंड, ये क्या है भाई साहब? मतलब कि हल्का सा नजर घुमाए क्या भाई? सामने में क्या आ गया भाई? ये क्या है जरा चेक किया जाए। चलो चलो अंदर चलते हैं भाई। एक सेकंड, इसके पास जाते। अरे बाबरे करंट मार रहा है। चिर नैना भाई इधर नहीं जाने का। एक सेकंड गाइजर, ये तो एक केज टाइप का है, मतलब गाइजर जहाँ पे यार सामान रखते हैं भाई उस टाइप का केज है। और उसके अंदर क्या है गाइजर समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं उसके अंदर देखते हैं। एक सेकंड, उसके अंदर तो एकदम खतरनाक सा हल्क बस्टर सूट लग रहा है, जो भाई यार आयरन मैन जैसे लोग पहनते हैं वो लग रहा है गाइजर इसके अंदर, देख रहे हो। लेकिन एक सेकंड भाई, इसके लॉक में ना मुझे लगता है मैजिकल जादू है। देख रहे हो गाइजर ये लॉक कुछ सिंपल नहीं है, कुछ इस तरीके के नहीं खुलने वाला, और बिजली भी चमक रही है। अगर खोलने जाऊंगा तो पक्का मुझे करंट लग जाएगा। नैना भाई मैं खोलने का रिस्क तो नहीं ले सकता, बट मैं क्या करूं, मुझे ये सूट चाहिए गाइजर। आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोग को ऐसा मौका मिले तो आप लोग भी यार ये सूट को पाने के लिए जाओगे ना, खोलोगे ना? तो भाई मैं भी चाहता हूं कि मुझे ये सूट मिले, बट मुझे समझ नहीं आ रहा गाइजर मैं इसका चाबी कहां से लाऊं। भाई मुझे ये ताला को खोल करके वो सूट जल्दी जल्दी चाहिए। एक सेकंड, जैसे पास जाता हूं करंट लग जाता है। नहीं बाबा नहीं, ऐसे तो चलने नहीं वाला भाई साहब, मुझे वो सूट चाहिए। एक सेकंड देखूं तो वो सूट दिखता कैसा है। अरे यार ये सूट तो बहुत ही खतरनाक है और मुझे देख के मुस्कुरा भी रहा है। गाइजर मुझे कुछ भी करके ये सूट चाहिए 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 चाहिए। आप एक काम करो, एक काम करते गाइजर, क्या पता इससे हो जाए। आप लोग एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो, क्या पता गाइजर उससे यार ये लॉक खुल जाए। जल्दी जाओ मैं इंतजार करता हूँ। 1 2 3 लगता है आप लोग ने लाइक कर दिया होगा और नीचे कमेंट भी कर दिया होगा। अब देखता हूँ, चलो खोल के देखता हूँ। एक सेकंड भाई फिर से करंट मारा, लगता है आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब करो। एक सेकंड, ये नीचे कागज गिरा हुआ है, पेपर। एक सेकंड देखता हूँ, लगता है गाइजर इसको लॉक खोलने का तरकीब लिखा होगा इस पेपर में। चलो देखता हूँ। अरे हाँ यार इसमें तो तरकीब लिखा हुआ है कि इसे कैसे खोल सकते हैं। एक सेकंड भाई साहब, इसके अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले भाई हल्क को थप्पड़ मारने का। ओ नो यार, मैं हल्क को थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ भाई? पहला टास्क वो लिखा हुआ है, दूसरा टास्क ये है कि कोई भी इंडियन कार को चुराओ, मतलब गाइजर इंडियन कार को चुराना पड़ेगा, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट काम है। उसके बाद है एक सेकंड, अवेंजर्स हाउस में आग लगा दो। ओ भाई साहब लगता है यार आज तो भाई सच में कांड होने वाला है, तीन तीन करने पड़ेंगे उसके बाद ये ताला खुल जाएगा। और एक सेकंड नीचे यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लगता है ये आप लोग के लिए लिखा हुआ है, तो आप लोग जल्दी से कर देना। चलो एक काम करते हैं, मैंने तो भाई यार देख लिया कि मुझे क्या क्या करने, तीन चीज करनी है, तीन चीज मैं कंप्लीट करूंगा उसके बाद यार वो लॉक खुल जाएगा और भाई मैं हल्क बस्टर भाई खतरनाक सा इवल हल्क बस्टर पहन सकूंगा, चला पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ भाई, सबसे पहला टास्क हम लोग का ये है हल्क को थप्पड़ मारने का। तो आपको तो पता ही है गाइस यार हल्क कहाँ है, हल्क अवेंजर्स हाउस में होगा, बॉडी शॉर्ट वीडियो बना रहा होगा। तो एक काम करते गाइस यार, जल्दी से अवेंजर्स हाउस जाते हैं और जाकर के हल्क को थप्पड़ मारने का कोशिश करते हैं। हाँ मैं मानता हूँ ये थोड़ा इम्पॉसिबल वाली बात है, हल्क को कोई भी थप्पड़ नहीं मार सकता, बट यार वो सूट के लिए मैं कुछ भी करने वाला हूँ, इम्पॉसिबल को भी ना मैं पॉसिबल करके दिखा दूंगा। इसलिए यार चलो जल्दी चलता हूँ हल्क के पास। हल्क मैं आ रहा हूँ तुझे थप्पड़ मारने के लिए, गाल को निकाल के रखना, मतलब अपने गाल को सीधा करके रख, मैं फटाक से थप्पड़ मारने वाला हूँ। चलो यार जल्दी से अवेंजर्स हाउस चलते हैं। चलो यार फाइनली आ चुके हैं अवेंजर्स हाउस।
चलो चलो जल्दी चलो अंदर चलते हैं, मुझे हल्क को थप्पड़ जो मारना है। लेकिन गाइजर मैं जितना खुश हो रहा था ना यहाँ पे आने के बाद उतने ही मुझे डर लग रहा है, अगर हल्क ने मुझे देख लिया उसे थप्पड़ मारते हुए उसके बाद तो हल्क मेरी जो हालत खराब करने वाला है ना वो आप लोगों को भी नहीं पता। चलो एक काम करता हूँ हेलमेट पहन लेता हूँ, हेलमेट से गाइजर हल्क मुझे नहीं पहचान पाएगा। चलो अब अंदर चलता हूँ, हेलमेट पहना रहता हूँ, हेलमेट उतारना मत फ्रैंकलिन तो वरना पिटाई खा जाएंगे। उतारना मत इसने तो उतार दिया, अब लगता है पिटाई खाने का मौका आने वाला है। चलो गाइजर एक काम करते देखते हैं हल्क यहाँ पे है भी कि नहीं या फिर बाहर गया है बर्गर खाने। एक सेकंड गाइजर यहाँ पे तो मुझे नजर आ रहा है हल्क, भाई हल्क तो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है। हल्क इतनी बॉडी बनाएगा, इतनी बॉडी बनाएगा, दुश्मन लोग मेरी बॉडी देख के हार मान जाएंगे। अरे गाइजर ये तो बहुत ही गुस्से में, यहाँ से जाऊंगा तो पक्का मार ही खा जाऊंगा और वो मुझे पहचान भी लेगा। नहीं नहीं यहाँ से नहीं जा सकता, एक काम कर तो पीछे जाता हूँ, ये जाने का तो जगह सही है। एक सेकंड यार आइडिया तो तगड़ा है भाई, मैं यहाँ पे चढ़ूंगा उसके बाद मैं आराम से इसे टपली मार सकता हूँ। चलो अब टपली मारने का टाइम आ रहा है। अरे हल्क ये ले टपली, कैसा लगा? अरे भागो भागो जल्दी भागो, अब हल्क आने वाला मुझे मारने के लिए, भागो भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे हर फाइनली मैंने हल्क को तो टपली मार दी है। ये फ्रैंकलिन का बच्चा को मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं हल्क हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे थप्पड़ मारा है, अब मैं उसे बताता हूँ। ओए फ्रैंकलिन कहाँ भागते हो तुम? एक सेकेंड हल्क तुम कहाँ से आगे कूद काट के? तुम्हें पता नहीं मैं हल्क हूँ, तुम मुझे थप्पड़ मारते हो, रुको मैं अब तुम्हें बताता हूँ। अरे भाई सब रुक जा हल्क, इतना मत मार मुझे, इतना मत मार। ओ नो गाइजर ये तो मुझे बहुत मार रहा है। अरे रुक जा हल्क, भाई सब इसने तो मुझे पीट डाला। देखो गाइजर हल्क ने मेरा क्या हल किया। चलो बदला पूरा हुआ, एक थप्पड़ के बदले इतनी पिटाई काफी होती है। देखो यार हल्क ने मेरा क्या हल किया, बट एक काम करता हूँ चलता हूँ, भाई इतना पिटाई तो भाई खा ही सकता हूँ वो सूट के लिए। चलो एक टास्क तो पूरा हुआ, अब गाइजर हमें कुछ भी करके इंडियन कार चुरानी है, तो चलो एक काम करते हैं, इंडियन कार तो सिर्फ एक ही जगह मिल सकती है, सिमियन के शॉप में, वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे यार इंडियन कार को चुराने की कोशिश करता हूँ। चलो तो यार अब हम लोग सिमियन के शॉप में आ चुके हैं, चलो जल्दी से अंदर जाते हैं। चलो वो देखो वो रहा सिमियन, और एक सेकेंड वो देखो वो रहा इंडियन कार थार। भाई आप लोगों को तो पता ही होगा महिंद्रा थार कितनी फेमस है इंडिया में। चलो एक काम करते इसे ही चुराते हैं, बट एक सेकेंड मैं चुराऊंगा कैसे, महिंद्रा थार तो बहुत ही महंगी है, ऐसे ना मैं खरीद सकता हूँ, और चुराने में तो ये सिमियन तो पुलिस बुला लेगा, और अगर सिमियन पुलिस बुला लेगा तो मुझे डंडे मार मार के पुलिस यार जेल में भर्ती कर देगी चोरी के वजह से। अब गाइजर कुछ भी सोचना पड़ेगा, क्या सोचू क्या सोचू। हैं फ्रैंकलिन तुम्हें कुछ कहना है क्या? अरे गाइजर आइडिया, अरे सिमियन तुम यहाँ पे खड़े हो, अरे पीछे जाके देखो कोई पागल सा बंदा तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर कर रहा है, जाके पीछे देखो। हैं क्या बोला? मेरी गाड़ी का टायर पंचर कर रहा है? अरे मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कौन है रे टायर पंचर करेगा मेरी गाड़ी का? अरे सामने से हट जा, मेरी गाड़ी का टायर कौन पंचर कर रहा है? तू कर रहा है क्या? हट यहाँ से, यहाँ पे मना किया ना यहाँ पे खड़े रहने से, हट, मेरी दुकान है ये, कौन कर रहा है टायर पंचर? चलो देखो, एक सेकंड टायर पंचर कर दिया क्या? नहीं नहीं मुझे तो ठीक लग रही है। अरे ये तो ठीक ठाक चल रही है मेरी गाड़ी, टायर पंचर तो नहीं हुआ। अरे यार बेचारा सिमियन बेचारा फंस गया, और यार हम लोग ने फाइनली एक इंडियन कार को भी चोरी कर ली है, क्या ही कमाल की गाड़ी है, देख रहे हो गाइजर ये कार से तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग से लेकर के भाई यार चलाना पहाड़ों में चलाना कहीं भी चला सकते हैं, ये गाड़ी हर जगह से निकल जाएगी। देखो तो क्या ही मस्त लग रही है महिंद्रा थार, और इसका कुछ अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देखो ये है कुछ इसका अंदर से इंटीरियर, इंटीरियर भी इसका तगड़ा है। अरे सामने से जाम हट जा भाई, भाई देखो जाम से भी ये गाड़ी आराम से निकल सकती है। अरे सब लोग हट जाओ इसे गाइजर, ये गाड़ी ठुकती भी है ना तो इसे कुछ होता नहीं है, इतनी मजबूत जो है। चलो अब जल्दी से चलते हैं यार, अब गाइजर दो काम तो हो चुका है, मतलब यार फाइनली अब हम लोग यार हल्क बस्टर सूट के करीब आ चुके हैं लेने के। अब गाइजर लास्ट काम करना है, और वो बोझे करने में बहुत ही डर लग रहा है। पता है गाइजर लास्ट काम करना क्या है? भाई यार अवेंजर्स हाउस को उड़ाना है, मतलब कि बम ब्लास्ट करके, बम लगा के उड़ाना है। तो चलो अवेंजर्स हाउस ही चलते हैं, और वहां पे जाके बम ब्लास्ट करते हैं और अवेंजर्स हाउस को उड़ा देते हैं। चलो चलो तो यार अब हम लोग आ चुके हैं अवेंजर्स हाउस, अब चलो जल्दी से यार बम ब्लास्ट करते हैं अवेंजर्स हाउस में। चलो अंदर चलो, दरवाजा खुल जा। अब गाइजर अब हम लोग को क्या करना होगा, अवेंजर्स हाउस में हर जगह बम लगा देना है, उसके बाद यार अवेंजर्स हाउस को उड़ा देंगे, और क्या भाई यही तो काम है, लास्ट टास्क तो यही लिखा गया था। चलो अब यही करते हैं। ये देखो ये रहा अवेंजर्स हाउस, गाड़ी थोड़ी दूरी पार कर देता हूँ, भागने में आसानी होगा। चलो अभी काम करता हूँ, बम निकालता हूँ। भाई कौन सा बम? स्टिकी बम लगाऊंगा, स्टिकी बम में हर जगह फंसा दूंगा स्टिकी बम। चलो यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखो ये रहा स्टिकी बम, एक यहाँ पे लगाता हूँ, एक गाइजर अंदर लगाता हूँ, यहाँ पे दरवाजे में दो दो लगा लेता हूँ, और यहाँ पे फिर यहाँ पे
और गाइजर और कहाँ का, एक सेकंड जमीन में भी लगा देता हूँ, ये लो ये भी लो, और भाई तुम भी लो, हर जगह लो, पेड़ को भी लगा देता हूँ, ये लो पेड़, और भाई ये लो शीशे में भी लगा दिया मैंने, और भाई ये लो शीशे दूसरी तरफ भी मैंने लगा दिया, ये लो, और भाई और मैं कहाँ लगाऊ, ये देखो ये मूर्ति यहाँ पे भी लगा दिया, ये ले और का मेरे पास जितने स्टिकी बॉम्ब है मैं सब लगा देता हूँ, चलो ये भी लो, चलो यार और ये और यहाँ पे भी लगा देता हूँ, अरे यार गाड़ी के पास नहीं, चलो लास्ट बचा, लास्ट में कहाँ लगाओ, लास्ट ये रहा, अब चलो एक काम करता हूँ, सब तो खत्म हो गया, एक लास्ट ये रखो, आखिरी सब खत्म हो गया, अब गाइजर एक काम करते गाड़ी के अंदर बैठते हैं और ये स्टिकी बॉम्ब को फोड़ते हैं, ये देखो गाइजर स्टिकी बॉम्ब फूट गई है और एवेंजर्स हाउस पूरे तरीके से उड़ चुका है, ओ भाई साहब धुए हो चुके हर जगह से, अब यहाँ से भागना पड़ेगा, हम लोग ने तो बहुत ही खतरनाक तरीके से एवेंजर्स हाउस को स्टिकी बॉम्ब से उड़ा दिया, अब गाइजर लगता है हम लोग ने सारा टास्क कंप्लीट कर दिया है, मतलब कि जो जो चीज रिक्वायरमेंट बोला गया था भाई हम लोग ने सब कर दिया है, अब घर जाते और जाके देखते क्या हमारा वो हल्क बस्टर इविल हल्क बस्टर अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ, चलो देखते हैं, चलो अब हम लोग आ चुके हैं घर, अब चलो अब जल्दी से ऊपर जाओ तो देखते हैं क्या लगता है गाइजर खुला होगा कि नहीं खुला होगा, जरा देखिए ऊपर जाके, एक सेकंड ये तो खुल चुका है, अनलॉक हो चुका है, ये देखो हल्क बस्टर इवन हल्क बस्टर, अब चलो ये सूट को पहनते हैं, ओ माय गॉड गाइस देख रहे हो फाइनली यार ये सूट मैंने पहन लिया है और लगता है मैं उड़ भी सकता हूँ, ओ यस मैं उड़ भी सकता हूँ गाइजर, और भाई साहब आसमानों के ऊपर भी जा सकता हूँ, जमीनों के नीचे भी जा सकता हूँ, और गाइजर इसके अंदर तो मुझे खतरनाक हथियार भी मिले हैं, लगता है मैं इसके साथ भाई फाइट भी कर सकता हूँ, जरा उतर के फाइट किया जाए गाइजर, देखा जाए कि भाई यार कौन कौन से हथियार है, एक सेकंड गोली मार सकता हूँ वो भी हाथ से, और भाई क्या देखूं मिसाइलें भी फेंक सकता हूँ क्या, अरे हाँ गाइजर मिसाइलें भी फेंक सकता हूँ, और गाइजर और क्या कर सकता हूँ, एक सेकंड बीम भी है हाथों में, एक सेकंड लगता है ये सब काम करने से पुलिस भाई तंग हो चुकी है और पुलिस आ रही है मुझे मारने के लिए, अब मैं क्या करूँ, लगता है गाइजर मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं भागने वाला मैं तो है नहीं, और ये लो पुलिस, ओ माय गॉड मैं तो फाइट भी तगड़े तरीके से कर सकता हूँ, ये लो, ओ यार मैंने तो तगड़े तरीके से हेलीकॉप्टर को ही तोड़ डाला, चलो यार एक काम करते हैं भागना पड़ेगा तो वरना तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, गाइस लेकिन जो भी बोलो ये सूट मुझे कमाल का मिला है, आयरन मैन से भी खतरनाक सूट लग रहा है, तो यार नीचे कमेंट करके बताना कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइस अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से और भी वीडियो रोजाना आए तो नीचे कमेंट करके बता देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों, और एक सेकंड गाइस यार भाई इतने सारे पुलिस आ रहे मुझे मारने के लिए कि मैं क्या ही करूं, ये प्लेन को तो मैं छोड़ देने वाला, जाते ये प्लेन को टपका के जरूर जाऊंगा, ये लो कैसा लगा प्लेन, अरे यार मैं ही टपक गया।